हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मॉम्स किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी कुरकुरी भिंडी। एकदम सिंपल रेसिपी है, कुछ झंझट नहीं, कुछ नहीं। आप इसको एज अ साइड डिश भी खा सकते हैं, दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, चपाती के साथ भी खा सकते हैं। एकदम टेस्टी लगती है। चले आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम भिंडी ली है। इसको अच्छे से वॉश करके ऐसे बारीक से काट लिया है। इसके बीजों को रहने दे, बीजे अच्छे रहते हैं। अभी इसमें हम आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, एक चम्मच चावल का आटा, थोड़ी सी हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला, स्वादानुसार नमक, और 2 चम्मच बेसन। इन सारी चीज़ों को हम आपस में अच्छे से मिला लेंगे ताकि वो भिंडी को अच्छी तरह से कोट हो जाए। देखिए इस तरह से। इसमें पानी डालिएगा नहीं, पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। नमक की वजह से जो मॉइस्चर निकलेगा उसी में सारे मसाले अच्छे से कोट हो जाएंगे। देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रखते हैं। पंद्रह मिनट हो चुके हैं। देखिए मैंने कहा था ना, मॉइस्चर से सारे मसाले अच्छे से कोट हो जाएंगे। देखिए भिंडी हमारी रेडी हो चुकी है। तेल गरम करते हैं, फ्लेम हाई रखेंगे। भिंडी तलने के लिए तेल बहुत गरम होना चाहिए, तभी भिंडी कुरकुरी बनेगी। तो चलिए भिंडी फ्राई कर लेते हैं। देखिए झटपट से फ्राई हो जाती है। ऐसे ही हम अपने सारे भिंडी को फ्राई कर लेंगे। फ्लेम अगर हमारा स्लो रहेगा और तेल ज़्यादा गर्म नहीं होगा तो भिंडी कुरकुरी और क्रिस्पी नहीं बनेगी। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि गरम तेल बहुत गर्म होना चाहिए और गैस फ्लेम हाई होनी चाहिए। भिंडी तल के रेडी है। इसकी प्लेटिंग कर देते हैं। ये देखिए, दिख रही ना एकदम लाजवाब। क्रिस्पी कुरकुरी भिंडी फ्राई खाने के लिए तैयार है। ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय।